Parambir Singh, Uddhav Thackeray are personally trying to use every single instrument that they have. लेकिन आज तक ने तो कभी खड़े होके नहीं कहा कि साहब क्योंकि हम ऐसा कर रहे थे तो इसलिए हमें विक्टिम या विक्टिम कार्ड लेके खड़े हो जाएं हाथ में। आप सन्नाटा दिखाइए जरा, जहां से सबसे ज्यादा शोर निकलता है। नए चैनल हैं, वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, वो रातों रात अपने घाटे को कम करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम न्यूज चैनल पर क्या देखते आ रहे हैं, खबर या मनोरंजन? मीडिया ने पिछले कुछ समय से कुछ गिने चुने मुद्दों को ही उठाया है, या तो तबलीगी जमात को, या रफेल को, या राम मंदिर, सुशांत सिंह राजपूत, इन्हीं मुद्दों को। इस बीच हमने पहले क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े मिले जिसमें हम नेगेटिव 24 पर आ चुके हैं। तभी भी मीडिया इन सब मामलों में ही मस्त रहा जो उनका एजेंडा सेट हुआ पड़ा था। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ टीआरपी के लिए। अब मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है जिस चैनल की हम बात करते हैं, अब वह चैनल का नाम टीआरपी को लेकर ही फ्रॉड में आया है, वह रिपब्लिक न्यूज टीवी। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के, जो कि बीआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, टेलीविजन चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउसहोल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जानकारी आई जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें तीन ऐसी आइडेंटिटीज हैं, या तीन ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। दो तो छोटे चैनल थे, एक तो फक्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। खैर, इसके बाद अर्नब ने कैमरा के सामने आकर इसे सिर्फ बदले की भावना बताया है और इस इल्जाम को चुनौती देने की बात भी कही है। The entire purpose of his press conference was to close the Sushant Singh Rajput investigation. It failed because we put out the counterfacts on the case. And that is his personal frustration. Parambir Singh, Uddhav Thackeray are personally trying to use every single instrument that they have. Parambir Singh, Sharad Pawar viewers, I'm naming them, and Antonia Maino. Parambir Singh, Sharad Pawar, Uddhav Thackeray and Antonia Maino, they actually think they can close down a news channel. So I'm giving them an absolutely an open invitation. Try to close down the Republic Media Network. Our supporters will give you a befitting answer. So the breaking news is I am going to sue Parambir Singh for criminal defamation, for putting out facts in the public domain, trying to besmirch the hard-earned reputation of the Republic Media Network, to try and besmirch the reputation of the Republic Media Network by putting out these facts. पहले जान लेते हैं कि टीआरपी के बारे में और ये कैसा काम करते हैं। टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कौन सा प्रोग्राम या टीवी चैनल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। साथ ही इसके जरिए किसी भी प्रोग्राम या चैनल की पॉपुलैरिटी को समझने में मदद मिलती है, यानी लोग किसी चैनल या प्रोग्राम को कितनी बार और कितने समय के लिए देख रहे हैं। प्रोग्राम की टीआरपी सबसे ज्यादा होना मतलब सबसे ज्यादा दर्शक उस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी अनुदय चक्रवर्ती ने न्यूज क्लिकिंग पर अपने शो में दी। हमारे देश में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया बार्क बोल के कंपनी है, जिसमें जो चैनल हैं उनका जो उनके जो नुमाइंदे हैं सबका एक गठजोड़ है, वहाँ पे सब करके रेटिंग को नापा जाता है। हर घर में एक रेटिंग का मीटर होता है, हर घर मतलब 40 से 44 हज़ार इस वक्त रेटिंग मीटर घर हैं पैनल। खैर, आप सोच लीजिए कि वीकली रेट पर हर हफ्ते 40,000 घरों का डेटा उठाती है कि उन घरों में लगभग 1,80,000 जो दर्शक हैं उन लोगों ने क्या देखा। हर मिनट इसको देखा जाता है, हर मिनट देखा जाता है, और सिर्फ कितने लोगों ने नहीं कितनी देर तक देखा। एक मिनट के अंदर एक दर्शक कौन सा चैनल ज़्यादा देर तक देखता है
उसी को पूरे मिनट का रेटिंग मिलता है। मतलब अगर आपने कोई भी चैनल 30 सेकंड से ज़्यादा देखा हो एक मिनट में, तो पूरा रेटिंग उसी चैनल को तो मिलना है सबसे ज़्यादा। आज हम चैनल द्वारा की गई पत्रकारिता का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वह हम पहले ही काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। आज बात करते हैं रिपब्लिक चैनल पर मुंबई पुलिस द्वारा लगाए इल्ज़ाम के बाद बाकी न्यूज़ चैनल की प्रतिक्रिया पर। आरोप रिपब्लिक टीवी पर यही लगा था कि उन्होंने अपने चैनल को ज़्यादा देर दिखाने के लिए पैसे दिए थे ताकि वह नंबर वन तक आ सके। वैसे तो हर चैनल अपने आप को नंबर वन कहता है, खबर के नाम पर उनमें भी वही चलता है जो रिपब्लिक चला रहा है। पहले देखते हैं बार्क द्वारा जारी टीआरपी के ताज़ा आंकड़े को। इन आंकड़ों में रिपब्लिक पहले नंबर पर है। इस इल्ज़ाम के बाद आज तक ने अर्नब पर तंज कसने शुरू कर दिए। रोहित सरदाना भी अपनी डिबेट में ऐसा करते नजर आए। अर्नब भी तक का काफी मजाक उड़ा चुके हैं अपने शो में। राहुल, इस पूरी परिस्थिति में हम तो उनका पक्ष भी रख रहे हैं, जो चीजें उन्होंने कही वो आपने अभी अभी बता दी। दूसरी बात, जो बात वो कह रहे हैं कि हाथरस की खबर हम दिखा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की खबर हम दिखा रहे हैं, पालघर की खबर हमने दिखाई है, इसलिए मुंबई पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। कौन सा चैनल नहीं दिखा रहा ये खबर? ये तो हर चैनल दिखा रहा और आज तक लगातार दिखा रहा। हाथरस में आज तक के संवाददाताओं को लेके किस तरीके के आरोप या किस तरीके की बातें हुई, ये किसी से छुपा है क्या? राजस्थान की सरकार ने आज तक के एक संवाददाता के ऊपर सचिन पायलट के मामले में कवरेज को लेकर केस दर्ज करा दिया, ये बात किसी से छुपी है क्या? लेकिन आज तक ने तो कभी खड़े होकर ये नहीं कहा कि साहब क्योंकि हम ऐसा कर रहे थे तो इसलिए हमें विक्टिम या विक्टिम कार्ड लेके खड़े हो जाए हाथ में, साबित करें ना फिर अदालत में। इसके अलावा अंजना ओम कश्यप ने भी अपने डिबेट में रिपब्लिक टीवी पर काफी तंज कसी। सबसे बड़ी बात सौरभ, सबसे बड़ी बात जो अपने दर्शकों को बता दें, ये बार्क की कंप्लेंट पर हुआ है और अगर इसको भी सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कानून अपने तरीके से चलेगा। विद्या, 302 मांग रहे थे, 400 बीसी का मामला आ गया सामने। आज जब खुद की बारी आई है, सवाल पूछने की घड़ी आई है, तो सन्नाटा छा गया ऊपर से नीचे तक, तमाशा बनकर रख दिया। बिल्कुल रिपब्लिक टीवी वो आज सन्नाटा दिखाइए जरा, जहां से सबसे ज्यादा शोर निकलता है, हर किसी पर उंगली उठाने की आदत है बेबुनियाद तरीके से। आज जब तमाम उंगलियां ये इशारा कर रही है कि टीआरपी पैसे देकर खरीदे जाते थे, मुस्तफा दिखाई। टीआरपी का खेल एडवर्टाइजमेंट के लिए जरूरी होता है, जो नंबर वन उससे ज्यादा विज्ञापन, इसी को लेकर तो सारी रेस होती है ये। ऐसी कुछ जानकारी सुधीर ने अपने शो में दी और तंज भी कसते नजर आए। कि कई बार आप देखते होंगे कि हर न्यूज चैनल एक जैसे ही प्रोग्राम दिखाता है, एक जैसी हेडलाइंस होती है, बल्कि सारे न्यूज चैनल एक जैसे दिखते भी है, एक जैसी ब्रेकिंग न्यूज आती है, एक जैसी हेडलाइन आती है, एक जैसी भाषा होती है। ये एक तरह की व्यापारिक मजबूरी है क्योंकि इससे चैनलों के विज्ञापनों की दर तय होती है। किसी चैनल को जितनी ज्यादा रेटिंग मिलती है उसे उतने ही ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं। इन विज्ञापनों की दर भी रेटिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, जितनी ज्यादा टीआरपी उतनी ज्यादा कीमत, जितनी कम टीआरपी उतनी कम कीमत। इससे उस चैनल की कमाई यानी रेवेन्यू पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यही बिजनेस मॉडल है जिसने आज हमारी और आपकी पसंद नापसंद को भी एक तरह से हैक कर लिया है। लेकिन जो नए चैनल हैं वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, वो रातों रात अपने घाटे को कम करना चाहते हैं, वो रातों रात टीआरपी के चार्ट पर नंबर एक पर पहुंचना चाहते हैं और इसलिए कई बार वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, टीआरपी चुराने की कोशिश करते हैं और न्यूज आपको इस तरीके से दिखाते हैं कि न्यूज मनोरंजन लगने लगे। मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में बताया, वह भी घंटों डिबेट चलाकर। लोग सिर्फ सच सुनना चाहते थे पर ऐसा नहीं, मीडिया बाकी मुद्दों को छोड़ दे, कोरोना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, अर्थव्यवस्था पर बात बंद हो गई, सरकार धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, बेरोजगारी की ना कोई बात कर रहा है ना ही उनकी कोई सुन रहा है। मीडिया को अब दिशा तय करनी चाहिए कि वह किस ओर जाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.